आप मानोगे तो वैरी पकड़ लिया और फाइन भी करेगा उसको। अच्छा सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग टेंट छोड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, और इतनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। यहाँ बंदे सो रहे हैं। सो सबसे पहले अपने चैनल की रीत निभा लेते हैं। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम, मज़ा आ जाएगा व्यू देख के आपको। सो ये टेंट है, टेंट का जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे सबसे पहले दिखेगी आपको हमारी बाइक। यहाँ से आप नज़र मार लो, यहाँ से आपको हमारी दिख जाएगी बाइक। वैसे पार्किंग बाहर है बट मैं अंदर ले जाता हूँ। सो इसके बाद जैसे ही बाहर जाएंगे, ये भैया बहुत आराम से सोए रात को तो इसके बाद जैसे ही हम बाहर जाएंगे, मौसम देख लो क्या ब्यूटीफुल सेक्सी मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ से फटाफट एक काम करते हैं। सामान मैंने उतारा ही नहीं था, मैं इसीलिए बाइक अंदर ले आया था, सामान ही नहीं उतारा और सामान एज इट इज़ पड़ा है। एक छोटा सा बैग उतार लिया था, वापस उसको लगाते हैं और थोड़ी देर में आधे पौने घंटे में ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं और आपको मिलते हैं रास्ते में, दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। तो अभी हम निकल रहे हैं, चलो ओके बाय भाइयों, ओके। सो चंद्रताल से हम निकल गए, अब सीधा जाएंगे हम यहाँ से मनाली। मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है और थोड़े से मेरे शूज़ भी गीले हैं, पहनने को मैं दूसरे शूज़ भी पहन सकता था बट आई वॉन्ट कि मैं वो पहनता राइडिंग शूज़। मैं पहनता राइडिंग शूज़ ही पहन के निकलता, मुझे वो ही पसंद है। तो बस अभी यहाँ से निकले हैं चंद्रताल से और एंजॉय करता हुआ जाऊँगा। जो साथी बने थे वो थोड़ा सा आगे हैं क्योंकि उन्होंने गाड़ी पे जाना था और मेरे को 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो आप चलो, आई कैच यू। तो बस थोड़ा सा आगे वो पहुँचे होंगे, ज़्यादा तेज़ वो जा नहीं सकेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है अपना, आगे गाड़ी के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, तो इसलिए हम पहले पहुँच जाएंगे। बस किसी तरह से वाटर क्रॉसिंग पे वो ना पहुँचे क्योंकि मुझे एक शॉट लेना है वाटर क्रॉसिंग में, वो अगर ना लिया तो मज़ा नहीं आएगा। तो ग्रुप बहुत अच्छा मिला था मुझे, मज़ा आ गया, एंजॉय हुआ हमारा, रात को नींद बड़ी प्यारी आई, मज़ा मज़ेदार। तो यहाँ पे देख लो दो फॉरेनर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा होता क्या है जब भी आप ऐसी ऑफ रोड टेरेन पे राइड कर रहे हो ना, आपको 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा जब आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप स्मूथ हो जाओगे। जैसा मैंने कैच करना था उनको मैंने कैच कर लिया, वो गाड़ी पे थे तो इसलिए ज़्यादा धीरे चल रहे थे, मेरा थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड पे था तो हो गया आराम से, मैं उनको मिल गया रास्ते में। अभी वो ले रहे हैं 360 व्यू बढ़िया सा मेरे लिए, ऑफ रोडिंग टेरेन पे ये चीज़ें तो होती हैं, जैसे गाड़ियों में मतलब ये दिक्कत रहती है ऑफ रोड में। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ना कई बार बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, सारी बाइक तो इधर इधर करके निकल जाती है लेकिन जो गाड़ी होती है उसके लिए दिक्कत होती है।
अब आगे से एक टेम्पो ट्रैवलर आ गया है, थोड़ी सी उनको दिक्कत होगी बट दे विल मैनेज। तो इधर आ गई है वाटर क्रॉसिंग, जो कि अभी हमें करनी पड़ेगी। आज के लिए दो वाटर क्रॉसिंग आएंगी, तो एक बार पूछ लेते हैं कि वाटर क्रॉसिंग कहाँ से करनी है। कोने से ना, इधर से। अरे ये ले जाओ, चलो आप चलो, ये पहले मैं जाऊं। यहां से बोले सोनेहा, हाँ तो फाइनली वाटर क्रॉसिंग भी हो गई आराम से, बट पैर भीग गए पूरे। तो पहले मुझे पैर सुखाने पड़ेंगे। आगे तुम्हारा आएगी, अभी आगे भी है तीन। मनाली तक वो आएंगी, दो तीन। अच्छा आगे होगा, शॉट आया होगा, आया पकड़ लो पकड़ लो। अच्छा मनाली मनाली चल रहे हम लोग, आप कहाँ रुकोगे एड्रेस बताओ। मेरे को एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी। हाँ जी कहाँ पे? नहीं आप ऐसे करना, देखो चल तो साथ साथ ही रहे हैं, तो ऑफ रोड ही है तो चलते रहेंगे। अटल टनल पे फोटो से खींचोगे आप मानोगे तो वही तो बस वही रुकेंगे, ठीक है ना। नंबर नंबर है ना, है नंबर है उनके पास। चलो हाँ ठीक ठीक। तो देखो हम लोग कहाँ आए हैं, हम आए हैं चाचा चाची के ढाबे पे, जो कि इनकी स्टोरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सन 2011 में कुछ राइडर्स कुछ ट्रैवलर्स यहाँ आए हुए थे, लेकिन वो यहाँ पे फंस गए थे एकदम स्नो पड़ने की वजह से। तो उन्होंने करीब काफ़ी दिनों तक, एक सवा महीने तक, जब कुछ सेटल नहीं हो गया तब तक उनको यहाँ रखा, सब सेट किया, जब खाना खिलाया उतने टाइम तक, जब सब सही हो गया तब उनको घर जाने दिया। और उसके लिए उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए, इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने उनको प्रेज भी किया था, कोई अवार्ड दिया था। भाई आगे जो हम ढूंढ रहे थे नमस्ते जी। नमस्ते, और बेटा ठीक है? बहुत बढ़िया जी। चलो बढ़िया होना चाहिए, तीसरी बार आपके पास खाने आए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे सारा फूल हुआ पड़ा है, तो जो भी यहाँ से आए किसी ढाबे पे नहीं रुकता, सिर्फ यहीं रुकते हैं। तो खाना बड़ा अच्छा है, यहाँ के राजमा चावल फेमस है। राजमा चावल है ना आज? बिल्कुल तैयार है, चलो खाते हैं हम फिर। हम अपना भी स्पीकर लगा रहे हैं।
सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू चाचा चाची ढाबा। अगर आप देखो इधर इतना रश है और आगे वाले ढाबे बिल्कुल खाली है। तो ये यहाँ का है, यहाँ पे तो ये यहाँ का है, यहाँ पे इनके ही ढाबे पे रश रहता है। तो अब फटाफट चलते हैं आगे और हम राइड को करते हैं कंटिन्यू और कंप्लीट। मनाली चंद्रताल से मनाली जाते हुए भी जो टेरेन है, जो रस्सा है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऑफ रोड है बहुत ज़्यादा, 110 किलोमीटर है, जो 60 किलोमीटर पूरा ऑफ रोड ही है। तो 60 किलोमीटर ऑफ रोड, बाकी बचा आपका 50 किलोमीटर वो आपका साफ सुथरा रास्ता है, वो आप कवर कर सकते हैं। मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के। सो लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है, पिक्चर्स बड़ी अच्छी आ रही हैं और थैंक गॉड कि मुझे साथी मिल गए। तो उसमें क्या फ़ायदा है, एक तो देखो ग्रुप बन जाए तो बातचीत में भी अच्छा रहता है, और सेकंड हमारे को फोटोग्राफ अच्छी क्लिक कर देते हैं। सो जब भी ऐसी चढ़ाई आए हमेशा गियर को फर्स्ट में कर दो और रेस क्लच छोड़ दो और रेस को एक नॉर्मल टिक का के रख दो, जैसे 20 पे छोड़ दो, अपने आप चलती रहेगी आपकी अपहिल में भी। सो अभी जस्ट ऐसे ही मैं रुका था, मैंने कहा चलो काफ़ी आगे आ गया हूँ, मैं उनका वेट करता हूँ थोड़ा सा। तो वो जैसे ही आए मैं डांस करने लग गया। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा डांस। इतना ऑफ रोड के साथ डांसिंग तो मज़ेदार ही है। वैसे मैं डांस नहीं करता इतना, लेकिन एन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। सो अभी एक और वाटर क्रॉसिंग आई थी, मुझे एकदम से दिखी तो मैंने फटाफट से कैमरा ऑन कर दिया, तो होगी क्लियर। एक और आ गई, होंगी भी ना अगर वाटर क्रॉसिंग देखो होंगी भी तो होंगी वो कोक्सर तक, क्योंकि कोक्सर के बाद रास्ता बिल्कुल प्लेन है। कोक्सर तक थोड़ी सी ऑफ रोड हो सकता है, उसके बाद रास्ता प्लेन है, और प्लेन रास्ते पे कभी भी ये नहीं आती, वाटर क्रॉसिंग नहीं आती। सो ये एक वाटर क्रॉसिंग आई है, एक बार देखते हैं। सो ये पूरी ही आगे तक ही क्रॉसिंग है, लेकिन ये ज़्यादा गहरी नहीं है तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। व्यू यहाँ पे देख लो बहुत अच्छा है। तो फटाफट से थोड़ा और रास्ता रह गया हमारा ऑफ रोड का, वो क्लियर हो जाए। तो वैसे बारिश भी बंद हो गई है, पीछे ही आ रही थी अब यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड मैं कैमरे को बैग में रख देता हूँ, तो आगे जाके फिर आपसे बात करूँगा। भैया जी से पूछते हैं कि इन्होंने कितना परेशान किया हुआ इनको। भैया जी कितना परेशान किया हुआ इन्होंने आपको? बहुत ज़्यादा, हर थोड़ी देर बाद रोकते हैं। एक बार फोटो खींचने खड़े हो गए समझो आधा घंटे। तो बस यहाँ पे फोटोस चल रही थी तो अब निकलते हैं हम आगे। बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो मैंने डिसाइड किया कि रेनकोट उतार देते हैं, रेन कवर उतार के रख लिया है, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये देख लो कितना बढ़िया जगह पे रुका हूँ मैं,
और हम यहाँ से जाएंगे। वाओ, ये तो फायदा होता है दोस्तों के साथ कि देखो अब सामने से मेरा ही भी शूट हो रहा है तो बढ़िया लगता है जैसे ऐसे सामने से कोई शूट कर रहा है। और जो ये शूट कर रहे हैं ना भाई, इनको बहुत शौक है, बहुत शौक वीडियो अपनी फ़ोटो क्लिक करने का भी और दूसरों की भी क्लिक करने का। तो हमने बहुत सी फ़ोटोज क्लिक करी थी यही से। तो भाई मेरे ऑफ रोडिंग होगी ख़त्म, यहाँ से एकदम मखमल वाली सड़कें मिलेंगी। अब मैं जैसा कहा था कोक्सर हमने अभी क्रॉस किया है, मतलब क्रॉस नहीं किया, 2 किलोमीटर है, तो हमारी रोड साफ़ होनी शुरू हो चुकी है, एकदम बढ़िया रोड मिलेगी इसके बाद। अब कोई ऑफ रोड नहीं है, पूरा डेली तक कोई ऑफ रोड नहीं है, तो छोटा मोटा ऑफ रोड होगा वो, दैट इज़ अ डिफरेंट। अभी लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और पहाड़ों के सामने हम रुके हैं यहाँ पे चंद्रा वैली फूड जंक्शन, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से चल के पहले कुछ खाते हैं फिर आगे की चलते हैं अटल टनल में। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है अपनी अटल टनल, बोले तो ये एक फ्लाईओवर है जो इसको कनेक्ट करता है, यहाँ से कनेक्ट होके अटल टनल ये राइट। सो ब्रदर यहाँ से शुरू होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, एक जगह साउथ है, तो दोनों का अलग अलग लोकेशन है। तो एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ बाइक लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। इंसेन, जबरदस्त टनल बनाई हुई है। तो पहले जो लोग रोहतांग जाते थे, रोहतांग अब उनको नहीं जाना पड़ता। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप सिसू जाना है आपको या कहीं और स्पीति साइड पे जाना है तो आपको रोहतांग से नहीं जा सकते थे क्योंकि रोहतांग का रास्ता पूरा ब्लॉक होता था, लेकिन विंटर में। लेकिन अब यह ये टनल बनने के बाद ये 365 दिन चलती रहती है, कंप्लीट ईयर ये टनल वर्किंग है। इसकी एग्ज़िट है करीब 9 किलोमीटर के बाद। और तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ बारिश नहीं आ रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ओह माय गॉड, उस तरफ बिल्कुल बारिश नहीं थी और इस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आके हटी है बारिश।
थैंक्स एंड विजिट अगेन। जो ट्रक जो I-20 था ना आपको ओवरटेक किया, आप इधर साइड आ रहे थे उधर साइड आ रहे थे, ओवरटेक किया ना जब टनल से एग्जिट किए, उसको पकड़ लिया और फाइन भी करेगा उसको। अच्छा, ट्रक वाले आगे वाला, हम लोग के ट्रक के आगे जो चल रहा था वो क्या इंडिगो या ऐसा नहीं, स्विफ्ट था, स्विफ्ट भी, हाँ उसने ट्रक को ओवरटेक किया था, मैंने देखा था, वो उसको भी पकड़ लिया। ओके, तो मतलब कि अगर कोई किसी को ओवरटेक करता है तो दर्द पहुंचेंगे। हाँ, ओवरटेक तो वो मींस कि 24/7 वो वॉच करते रहते हैं और ऑन द स्पॉट वो क्या पकड़ लेते हैं। ऑटोमेटिक जैसे ही वायलेशन होगा सेंसर बजेगा, साउंड बजेगा, मजे आ गया, हमें ओवरटेक करेगा। अरे आप 20-25 किलोमीटर तो चलते हैं, व्यू देख लो, मस्त है, फोटोज बहुत सारी होगी हैं, जो सारी की सारी आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, नीचे आईडी आ रहा है राइडर्स जंक्शन इंस्टाग्राम, फॉलो कर लो, बाकी चलते हैं। और आपको मैं थोड़ा बताऊं तो आज थोड़ा सा प्लान आउट क्या है कि हम में से मतलब एक स्पंदन का आज बर्थडे है, तो अभी पता लगा हमें स्पंदन का बर्थडे आज, तो आज बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे स्पंदन का। सो अभी हम लोग मनाली आ गए हैं, एक शॉक लिया था लेकिन वो सही नहीं आया, मनाली आके हमने अपना रूम ले लिया है और फ्रेश अप हो गए हैं, बाकी दोनों बंदे जो हैं वो थोड़े आराम करने वाले बंदे हैं, बाकी हम दोनों तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं माल रोड फटाफट से एंजॉय करते हैं। सो अभी ना अपना अभी अपना खाना पीना शुरू हो चुका है, तो हम लोग आए हैं आज स्पंदन का बर्थडे है, तो सबसे पहले सर स्पंदन को हैप्पी बर्थडे स्पंदन। हैप्पी बर्थडे स्पंदन। तो कल एक्चुअली हमने अगर याद रहता तो हम लोग स्पंदन का बर्थडे सेलिब्रेट करते चंद्रताल लेक में, तो पहली बार किसी का बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट होता, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इंटरनेट नहीं था तो किसी को याद नहीं आया। फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद चल के खुराफात दिखाते हैं आपको। और मुझे बर्थडे की खुराफात क्या चाहिए बोल रहा, बर्थडे की क्यों चाहिए, मिल गया मिल गया, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन क्या क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब, चलो चारों चीजें कर देना, अगली वीडियो में मिलते हैं। कल हम यहाँ से निकलने वाले, पहले मणिकरण साहिब गुरुद्वारा और देन वहां से फिर दिल्ली, तो टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, वंदे मातरम।